हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो स्केट वर्ल्ड। आज के वीडियो में स्केट्स में कितने तरह के बैरिंग होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले एक छोटा सा फैक्ट शेयर करता हूं आप लोगों से। पीपल विथ स्मॉलर हैंडराइटिंग दे टेंड टू बी शाय, स्टूडियस एंड मेटिकुलस। जो लोग छोटा छोटा लिखते हैं ना, जिनकी हैंडराइटिंग छोटी छोटी होती है, वो काफी शाय और स्टूडियस और हर चीज के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। एंड द आउटगोइंग पीपल, जो लोग ओपन अप होते हैं, जो लोगों की अटेंशन सीक करते हैं, वो बड़ा बड़ा लिखते हैं, उनकी हैंडराइटिंग हमेशा बड़ी होती है। कहने मतलब क्या हुआ, जिनकी हैंडराइटिंग बड़ी है वो जल्दी लोगों से मिक्सअप हो जाते हैं, और जिनकी हैंडराइटिंग छोटी है वो जल्दी मिक्सअप नहीं होते, थोड़ा शाय रहते हैं, थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं। आप देख रहे हैं इसके बारे में, शायद आपने नोटिस किया हो, अगर नहीं किया तो देखना कि जिनकी हैंडराइटिंग छोटी है वो थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि स्केट्स में कितने तरह के बैरिंग होते हैं। मैं आपको अलग अलग तरह के बैरिंग दिखा के समझाता हूँ कि कितने तरह के बैरिंग होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आपके ये अलग अलग तरह के बैरिंग रखे हैं सारे, ये सारे अलग अलग ग्रेडिंग के बैरिंग हैं। सबसे पहले आप समझिए, स्केटिंग के अंदर जो बैरिंग होता है उसकी क्वालिटी को हम मेजर करते हैं ए बी ई सी, ए बी सी 5, 7, 9। ये ए बी सी बैरिंग की क्वालिटी की, उसकी स्टील क्वालिटी को सर्टिफाई करती है बेसिकली, कि बैरिंग की स्पीड कितनी, जितना ए बी सी हमारा अच्छा रहेगा उतनी हमारी बैरिंग की स्पीड अच्छी होगी। और अब नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले जो नॉर्मल स्केट्स है उसमें ये सिंपल बैरिंग होता है, स्टील लुक का सिंपल बैरिंग है, ये आम पंखे का, मिक्सी का सिंपल बैरिंग। देखिए ये बैरिंग को खोल रखा है, इसमें स्टील केज, जो इसमें बॉल्स हैं उसमें स्टील केज, उसमें बॉल्स फिट हैं। ये आम बैरिंग है, सबसे सस्ते स्केट्स में आपको ये बैरिंग मिलता है। इसकी स्पीड कोई बहुत ज्यादा नहीं, पर डिसेंट सी स्पीड होती है, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती है। उसके बाद आप देखिए ब्लू बैरिंग है, ए बी सी 5, जो ये स्टील बैरिंग है इसकी कोई ग्रेडिंग नहीं है, नॉन ग्रेडेड ए बी सी, इसमें कोई ग्रेडिंग नहीं है। जो बैरिंग का साइज रहता है वो 7mm और 8mm, क्वार्ट्ज स्केट्स में 7mm और 8mm दोनों के क्लिप एक्सल आते हैं। उसमें 6 to 7 जो बैरिंग का साइज है वो 7mm एक्सल में फिट होता है, 6 to 8 वो 8mm एक्सल में फिट होता है, और इनलाइन स्केट्स में सिर्फ 8mm बैरिंग, 6 to 8 बैरिंग यूज किया जाता है। क्वार्ट्ज स्केट्स में 7mm और 8mm, और इनलाइन स्केट्स में 8mm बैरिंग यूज किया जाता है। अब आप देखिए ये जो बैरिंग सिंपल बैरिंग है, इसके अंदर ये देखिए जरा, आप नोटिस करेंगे इसमें 7 बॉल्स हैं जो स्टील केज में है। केज किसके बोले, जिसमें बॉल फिट है, ये 7 बॉल हैं बैरिंग की जो स्टील केज में फिट है, सिंपल बैरिंग है। उसके बाद आ गया ए बी सी 5, ये डिसेंट सी स्पीड का, अच्छी स्पीड का बैरिंग है। इसके अंदर जो केज है ना, मैं दिखाता हूँ आपको अभी, इसमें नायलॉन केज है, देखिए जो ब्लैक कलर का नायलॉन का मटेरियल है, नायलॉन केज है। जो हमारे नॉर्मल स्केट्स आते हैं डिसेंट स्पीड वाले, उसमें अबेक 5 बैरिंग फिट किया जाता है। उसके बाद अगला बैरिंग आ गया ए बी सी 7, हर बैरिंग की जो ग्रेडिंग है उस बैरिंग के ऊपर लिखी रहती है। अगर बैरिंग के ऊपर ग्रेडिंग नहीं लिखी तो वो बैरिंग उस ग्रेडिंग का नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि ए बी सी 7 बैरिंग और उस पर ए बी सी 7 नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, वो बैरिंग ए बी सी 7 ग्रेडिंग का नहीं है। हर बैरिंग के ऊपर इसकी ग्रेडिंग लिखी रहती है, इस तरह इस पर लिखा है प्रो स्केट रेसिंग ए बी सी 7। अब इसमें भी देखिए आप जरा, इसकी ग्रीन कलर की बॉल केज रिटेनर है, और मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इसमें बॉल को कैसे रोका जाता है। इस तरह अब ये बैरिंग है, इसमें बॉल को स्टील केज में पकड़ा गया, दोनों तरफ से स्टील केज ने कस रखा है बॉल को, जबकि नायलॉन केज में, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इसमें बॉल कैसे पकड़ी जाती है। सबसे पहले आप देखिए कि जो सिंपल बैरिंग है, आम बैरिंग जो कि बेसिकली स्केटिंग के लिए नहीं बना, उसके अंदर मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो जरा, ये जो बॉल केज रिटेनर है, बॉल केज रिटेनर जिसमें बॉल्स फिट हैं, इधर भी जाली है और इधर भी जाली, देखो समझो कि आपने हाथों की मुट्ठी बंद कर ली और उसमें बॉल फिट कर दी, ये तो ये हो गया जी नॉर्मल बैरिंग जो कि नॉन ग्रेडेड है। अभी आपके सामने आ गया ए बी सी 5, 7, 9 जो भी बैरिंग आते हैं, इसमें देखिए कि आपको बॉल्स नजर आ रही हैं। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं ना, देखिए जरा आप,
इसमें आपको बॉल्स नजर आ रही हैं, और बैक साइड पे ये इस तरह की ये ग्रीन बैरिंग में आ रहा है ना, ग्रीन में ये ग्रीन है। ये अबेक 9 बैरिंग का मैंने खोला अभी, ये एबीसी 9 आ गया, 7 9। अब आप समझिए जरा इसमें टेक्नोलॉजी क्या है। अगर आपने हाथ बंद करके मुट्ठी बंद करी, अपने फिस्ट को दोनों तरफ से बंद किया, उसमें बॉल आई और स्टील की क्वालिटी भी हल्की है, तो वो हो गया आपका नॉन ग्रेडेड। जब अबेक टेक्नोलॉजी आ गई तो हमारे जो प्रो स्केट के बैरिंग है उसमें नायलॉन की बॉल केज रिटेनर है, जो एक तरह से एक तरफ से बॉल को पकड़ती है, उससे हमारी बहुत अच्छी स्पीड आती है। अबेक 5 से बेटर है अबेक 7, अबेक 7 के बाद आता है अबेक 9। अब आपने करना क्या है, अबेक 5 अगर आपके बच्चे का एम है सिर्फ आपने रिक्रिएशनल लेवल की स्केटिंग करनी है, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करना, तो आप सिंपल बैरिंग ले लीजिए, जो कि ये कई ब्रांड्स में आता है, जिसमें नॉर्मल बैरिंग है स्केटिंग का, स्केटिंग का नहीं बेसिकली, ये नॉर्मल बैरिंग है। अगर आपके मन में है कि बच्चे को अच्छी स्केटिंग करानी है तो अबेक 5 से कम आप ना लीजिए, और अगर अबेक 7 या 9 इसके बिना तो आपका बच्चा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता, अबेक 7 या अबेक 9, क्योंकि उसको जिन बच्चों से कम्पीट करना है वो सारे बच्चे अबेक 7 अबेक 9 या उससे भी ऊपर बैरिंग पे दौड़ रहे हैं। बैरिंग बहुत मैटर करता है स्पीड स्केटिंग के अंदर। 5 अबेक 7 अबेक 9 इसके बाद हमारे पास आता है सिरेमिक बैरिंग, इसमें बॉल सिरेमिक की हैं, इसमें भी 7 बॉल्स हैं। देखिए आप, ये वाइट बॉल होगी सिरेमिक की, ये ब्लैक बॉल सिरेमिक, इसमें भी 7 बॉल्स हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं जितने बैरिंग हमने अभी तक हमने देखे, सिंपल बैरिंग अबेक 5 अबेक 7 अबेक 9 वाइट बॉल सिरेमिक ब्लैक बॉल सिरेमिक, ये सारे 7 बॉल बैरिंग है, सब में 7 बॉल हैं। आप देखिए जरा इसमें दिख रही होंगी आपको शायद, आपको 7 बॉल्स, इसमें भी 7 बॉल्स, अब आप दोबारा समझिए एक बार जरा। अगर आपका एम है बच्चे को सिर्फ रिक्रिएशनल अच्छी स्केटिंग करानी है रिक्रिएशनल लेवल की, आप सिंपल बैरिंग ले लीजिए, उसके बाद अबेक 5। मेरी सजेशन है कि मिनिमम अबेक 5 बैरिंग का स्केट्स आपको लेना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे का टाइम है उसकी भी वैल्यू है, क्या पता कल आपका बच्चा एक चैंपियन बन जाए। अबेक 7 या अबेक 9 से कम आप कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसको जिन बच्चों से कम्पीट करना है वो ऑलरेडी इन बैरिंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन बैरिंग से कम्पीट कर रहे हैं, सिरेमिक वाइट बॉल या ब्लैक बॉल। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी अभी दिखाता हूं आपको मैं, ये ब्लैक बैरिंग है 6 बॉल्स, जिस तरह पहले वाले बैरिंग सब में 7 बॉल्स थी, इसमें 6 बॉल्स हैं। ये स्पेशलिस्ट बैरिंग है शॉर्ट रेसेस के लिए, इसमें 6 बॉल हैं, और अगला बैरिंग है हमारा गोल्ड टाइटेनियम गोल्ड बैरिंग, ये है 8 बॉल, इसमें 8 बॉल्स हैं, ये लॉन्ग रेसेस का बैरिंग है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इन बैरिंग्स की स्पीड का फर्क कैसे होता है। सबसे पहले आप देखिए जरा, आपके सामने है अबेक 7, मैं दिखाता हूं घुमा के, इसके बाद अबेक 5, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं 6 बॉल बैरिंग। आप देखिए मूवमेंट जरा, जब ज्यादा स्पीड आती है तो हमें जो मूवमेंट आती है व्हील की उल्टी दिखने लग जाती है। इसके बाद 8 बॉल बैरिंग, अब मैं आपको दिखाता हूं जो हमारा सिंपल बैरिंग है, जो स्केटिंग के लिए टेक्निकली नहीं बना, वो जो पंखे मिक्सी वगैरह में यूज होता है, जो आम आपको हर स्केट्स में मिलता है मार्केट से, अगर आप स्केट लेते हैं तो इसकी मूवमेंट देखिए जरा आप, ये कितनी जल्दी रुक गया, ये हमारा 7 बैरिंग आ गया, इसके बाद हमारा ब्लैक बॉल सिरेमिक,
मूवमेंट देखिए जरा आप इसकी। इसके बाद अबैक 9। सो फ्रेंड्स, बैरिंग की टेक्नोलॉजी की क्वालिटी का फर्क कब पड़ता है? जब हमारा बॉडी वेट पड़ता है तो उससे एक तो बैरिंग की पूरी स्पीड निकलती है। जब हम काफी देर स्केटिंग करते हैं, जैसे रेस में हमारे 1 किलोमीटर की रेस है या 5 किलोमीटर की रेस है, बैरिंग थोड़ा हीटअप होता है, थोड़ा गर्म हो जाता है, तो बैरिंग स्टिक करता है, उसकी बॉल स्टिक करती है। जो अच्छी ग्रेडिंग का स्टील है, अच्छी क्वालिटी का बैरिंग है, उसकी स्पीड कभी भी स्टिक नहीं होने से खराब नहीं होती, स्पीड बढ़ती रहती है। और जो लो ग्रेड स्टील का बैरिंग है वो आपको भारी लगेगा, स्केटर को बहुत भारी बैरिंग लगता है। जब आप बैरिंग परचेज कर रहे हैं, जिस सोर्स से आप परचेज कर रहे हैं वो सोर्स आपका सही होना चाहिए। अबैक 579 जो लिखा है आपको वो बैरिंग मिलना चाहिए। 6 बॉल 8 बॉल जो बैरिंग है मिलना चाहिए आपको, बैरिंग जो ग्रेडिंग में बोली जा रही है। सो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा आपको कौन सा बैरिंग लेना चाहिए। अगर एम सोलली सिंपल रिक्रिएशनल स्केटिंग करनी है, नॉन ग्रेडेड बैरिंग ले लीजिए। मेरी सजेशन है मिनिमम ABC 5 लीजिए। कंपटीशन प्रैक्टिस और पार्टिसिपेट करने के लिए ABC 7 and 9 लेना चाहिए आपको। और अगर शॉर्ट रेस स्पेशलिस्ट शॉर्ट रेस का बैरिंग चाहिए तो प्रोस्केट 6 बॉल ब्लैक बैरिंग, और लॉन्ग रेस के लिए प्रोस्केट टाइटेनियम गोल्ड 8 बॉल बैरिंग आपको लेना चाहिए। सिरेमिक बैरिंग एक टेक्नोलॉजी है, पर डस्ट जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में उससे सिरेमिक उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, इसलिए मैं सिरेमिक को थोड़ा साइड पे रखता हूं। मेरी पर्सनल सजेशन है फ्रेंड्स, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। देयर वॉज ए रेस बिटवीन ड्यूक एंड एनफील्ड, ड्यूक बाइक और एनफील्ड बाइक के बीच में रेस हुई, हु वन द रेस? इसका आंसर फ्रेंड्स, द एम्बुलेंस वन द रेस। छोटा सा मैसेज इसके अंदर, ड्राइव सेफ बी सेफ। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।